अरे भैया वजन चाहिए, कौन सा चाहिए, साइज कौन सा चाहिए, मटेरियल कौन सा चाहिए, अरे साहब डिजाइन कौन सा चाहते हो। तो भाई ये सारे क्वेश्चन करते हैं ना जब हम मार्केट में जाते हो कोई वॉच मशीन खरीदने के लिए। लेकिन आपको इन सब का आंसर पता है? अगर नहीं तो हेलो गाइस वेलकम बैक टू choosecore.com। एंड आज की वीडियो में बात करने वाले हैं वॉच मशीन के बारे में। जी दोस्तों, आज वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वॉच मशीन के बारे में पूरा डिटेल से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट आर द टाइप ऑफ वॉच मशीन। जी हाँ दोस्तों, काफी सारे टाइप के वॉच मशीन अवेलेबल होते हैं मार्केट में, जैसे कि फुल पेडिस्टल वॉशिंग, सेमी पेडिस्टल वॉशिंग, काउंटर टॉप वॉशिंग, वॉश स्टैंड वॉशिंग, वॉल हंग वॉशिंग एंड कॉर्नर वॉशिंग। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इन सबके मतलब क्या क्या है, सब दिखते कैसे हैं, तो चलिए इनके बारे में जानते हैं कि ये सब दिखते कैसे हैं। सो भाई सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फुल पेडिस्टल वॉश वॉशिंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सो ये वाले जो वॉश वॉशिंग होते हैं ये काफी अच्छे होते हैं एंड इनके अंदर जो फुल पेडिस्टल लगा होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं आपको इजी लैंग्वेज में बताऊं सो इनका एक काउंटर टॉप होता है जो कि टॉप का होता है, जैसे आप हाथ धो लेते हो, एंड इसके नीचे जो है पैर को ढकने के लिए पेडिस्टल होता है पूरा नीचे तक। सो इसको उसको बोलते हैं फुल पेडिस्टल वॉशिंग। जी हाँ दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं हमारे सेकंड वॉशिंग के बारे में जो कि सेमी पेडिस्टल वॉशिंग। तो सेमी पेडिस्टल वॉशिंग भी कुछ इसी तरीके का होता है जी दोस्तों, लेकिन इसमें हाफ पेडिस्टल होता है, यानी ऊपर आपका हाथ धोने का हो गया एंड उसके नीचे थोड़ा सा पाइप को ढकने के लिए हाफ पेडिस्टल होता है, इसलिए इसको सेमी पेडिस्टल वॉशिंग बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट के बारे में जो कि है वॉल हंग वॉशिंग। जी हाँ दोस्तों, इन वॉशिंग की खासियत है कि इसमें कोई पेडिस्टल नहीं लगा होता एंड ये वॉल पर यानी दीवार पर आराम से फिट हो जाते हैं, यानी कि आपका जो हाथ धोने का होता है बस वही आपको दीवार पर लगा देना है एंड आपका वॉश वॉशिंग रेडी, आप इजिली अपने हाथ वाला धो सकते हो। चलिए हम बात करते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट के बारे में जो कि काउंटर टॉप वॉशिंग। जी हाँ दोस्तों, ये काफी इजी है, नाम से पता लग रहा है काउंटर टॉप, यानी कि आपका एक काउंटर होता है उसके ऊपर ये लग जाता है एंड इसीलिए इसको काउंटर टॉप वॉश बेसिन बोलते हैं। चलिए हम बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट के बारे में जो कि है वॉश स्टैंड बेसिन। जी हां दोस्तों, जैसे नाम से पता चल रहा है कि वॉश स्टैंड, यानी कि इसका पूरा स्टैंड होता है जिसमें ये मर्ज होता है एंड आपका जो हाथ धोने वाला होता है वो भी स्टैंड के अंदर ही होता है, यानी कि अगर आपको इसको साइड में रखना पूरा आपको उठाना पड़ेगा नीचे से ऊपर तक एंड इसीलिए इसको बोलते हैं वॉश स्टैंड बेसिन। जी हां दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं हमारे सिक्स्थ पॉइंट के बारे में जो कि कॉर्नर बेसिन। नाम से पता चल रहा है कि कॉर्नर बेसिन, यानी कि आप इसे कॉर्नर में लगा सकते चाहिए एंड आपका बाथरूम कैसा है एंड आपको ये डिजाइन क्या, आपकी चॉइस क्या है। चलिए बात करते हैं कि आपको कौन कौन सी बातें याद रखनी चाहिए जब आप एक वॉश बेसिन खरीदने जाएं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है जो कि आपको याद रखना किसी वॉश बेसिन खरीदते समय, वो है उसका मटेरियल। जी हाँ दोस्तों, कि आपको कौन सा मटेरियल का वॉश बेसिन चाहिए। काफी सारे मटेरियल वॉश बेसिन अवेलेबल होते हैं मार्केट में, जैसे कि सेरेमिक का होता है, स्टोन का होता है, मेटल का होता है एंड प्लास्टिक का भी होता है। सो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप सेरेमिक का ही ले, क्योंकि वही ज्यादा खरीदा जाता है एंड वही ज्यादा प्रेफर किया जाता है। इसका जो मटेरियल होता है काफी अच्छा होता है एंड काफी टिकाऊ होता है, यानी कि काफी लॉन्ग लास्टिंग होता है, आप इसको काफी लंबे समय तक खरीद सकते हैं एंड इसको चला सकते हैं। जैसे आप जानते हैं कि जो प्लास्टिक का होता है वो काफी बेकार होता है एंड बिल्कुल घटिया टाइप का होता है, स्टोन काफी ज्यादा खास लगता नहीं है। सो मैं आपको रिकमेंड करूंगी आप सेरेमिक का ही लें एंड आप उसी को अपने बाथरूम में इंस्टॉल करवाएं, उसी को लगवाएं। चलिए हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में जो कि आपको याद रखना है किसी वॉश बेसिन खरीदते समय, जो कि है उसका शेप। जी हाँ दोस्तों, कि आपको कौन से शेप का वॉश बेसिन चाहिए। काफी सारे शेप के वॉश बेसिन अवेलेबल होते हैं जो कि मेजर थ्री टाइप के होते हैं। बेसिकली जो फर्स्ट होता है वो होता है राउंड शेप का, यानी कि राउंड शेप में होता है कुछ इस तरीके का एंड सेकंड होता है वो होता है ओवल, यानी कि इस तरीके का उभरा हुआ होता है एंड जो थर्ड होता है वो होता है रेक्टेंगल टाइप का। सो मोस्टली जो लोग होते हैं वो रेक्टेंगल टाइप का लगवाते हैं क्योंकि वो काफी सिंपल एंड सही लगता है किसी भी बाथरूम के लिए एंड इंडियन जो है वो उसी को लगवाते हैं। बट अगर आप लगवाना चाहते हैं फैशनेबल टाइप का एंड स्टाइलिश टाइप का तो आप लगवा सकते हैं राउंड शेप का भी एंड ओवर शेप का भी, काफी बेटर लगता है दोनों के दोनों एंड एक काफी स्टाइलिश लुक देते हैं आपके बाथरूम को। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो कि हमारा थर्ड पॉइंट,
कि आपको साइज क्या होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, काफी सारे साइज के अवेलेबल होते हैं वॉश वॉशिंग मार्केट में, लेकिन बेसिकली जो मेजर साइज होता है, स्टैंडर्ड साइज होता है, वो क्या होता है किसी वॉश बेसिन का। सो जो एक स्टैंडर्ड साइज होता है किसी वॉश बेसिन को खरीदने का, वो होता है 63 सेंटीमीटर बाय 45 सेंटीमीटर। जी हाँ दोस्तों, सो आप इस साइज का जो वॉश बेसिन अपने बाथरूम में लगवा सकते हैं, या फिर अगर आपका बाथरूम ज्यादा छोटा है तो आप उसके हिसाब से लगवा सकते हैं। बट एक स्टैंडर्ड साइज जो होता है वो होता है 63 सेंटीमीटर बाय 45 सेंटीमीटर, जो कि मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका बाथरूम कितना छोटा है, कितना बड़ा है, आप किस साइज का लगवाना चाहते हैं अपने बाथरूम में वॉश बेसिन। चलिए हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जो कि हमारा डिजाइन। जी है दोस्तों, काफी सारे डिजाइन के वॉश बेसिन अवेलेबल होते हैं मार्केट में, जो कि आप बता सकते हो अपने मार्केट वाले को कि भाई मेरी पसंद ये है, मेरी डिजाइन ये है, और मेरे को इस टाइप का वॉश बेसिन निकाल के दे दो, तो वो आपको निकाल के दे देगा। अगर मैं आपको यहाँ पर डिजाइन बताऊंगा तो काफी बड़ा वीडियो हो जाएगा, एंड काफी सारे डिजाइन अवेलेबल है मार्केट में। सो भाई आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं कि आपको किस हिसाब का और किस डिजाइन का वॉश बेसिन लगवाना है अपने बाथरूम में। जी हाँ दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जो कि है ब्रांड। काफी सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भाई मुझे कौन सा ब्रांड खरीदना चाहिए। तो आपको बताया था कि अगर आपको ब्रांड खरीदना है तो आप बेल मोंटे का खरीद सकते हैं, हैंडवेयर का खरीद सकते हैं, सेयर का खरीद सकते हैं, ये काफी पॉपुलर ब्रांड्स हैं। उसके बाद आप काफी सारे ब्रांड्स के भी खरीद सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर लिस्ट दे दूंगा जो कि आप खरीद सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, चलिए ये तो बात हो गई गाइडेंस की, ये तो बात हो गई कि आपको जो भी बातें याद रखनी है किसी भी वॉश बेसिन को खरीदते समय। लेकिन अब हम बात करेंगे व्हाट इज द बेस्ट वॉश बेसिन इन इंडिया। सो भाई मैं आपको बता रहा हूँ, काफी सारे टाइप के और काफी सारे अच्छे अच्छे वॉश बेसिन अवेलेबल हैं इंडिया में, लेकिन आप चाहते हैं कि आपको टॉप के 10 वॉश बेसिन चाहिए, तो हमने एक आर्टिकल लिखा है अपनी वेबसाइट पर jugechoose.com, जहां से आप ये पूरा रिव्यू पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हमने टॉप 10 बेस्ट वॉश बेसिन इन इंडिया के रिव्यू किए हुए हैं, वो भी डिटेल से, सो आप इनको पढ़ सकते हैं। अगर मैं इन सबके सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा तो काफी बड़ा वीडियो हो जाएगा, जो कि आपको पसंद नहीं आएगा, एंड इनके ऊपर मैं एक अलग अलग वीडियोस भी बना सकता हूं। सो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा अगर आपको इन सबके ऊपर सेपरेट वीडियो चाहिए, तो मैं आपको सेपरेट वीडियोस बना के दे दूंगा। लेकिन एक वीडियो में बताना काफी डिफिकल्ट होगा, क्योंकि सबके स्पेसिफिकेशन अलग हैं, सबके डिजाइन अलग है, एंड सबकी क्वालिटीज अलग है। सो ये अगर आपको खरीदना है तो आप हमारी वेबसाइट पे आके पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन खरीदना हो तो, वरना आप ऑफलाइन जाके भी खरीद सकते हैं। आपको मार्केट वाले को बताना है सिंपली आपका साइज, शेप और आपका जो भी टाइप है, एंड वो आपको निकाल के दे देगा इजीली, दैट्स इट। सो भाई आज की वीडियो बस इतना ही। आपको पूरा वीडियो पसंद आएगा, आपको वीडियो पसंद प्लीज लाइक करिएगा, और आपको वीडियो पसंद नहीं आता तो प्लीज डिसलाइक कीजिएगा। आपको जो भी क्वेश्चन है मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उनको रिस्पांस देने की कोशिश करूंगा जितना भी मुझसे जल्दी होगा। जी हां दोस्तों, एंड अगर आपको वीडियो ज्यादा अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा फॉर फर्दर अपडेट्स। चलिए मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, बाय।